क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, क्या कहता है, ऐसा कह रहा है आपसे, ऑन सेलिंग, देखते हैं क्वेश्चन कौन पहले करता है। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल 8 रुपीज़ 5 30, 8 रुपीज़ 5 30, कॉमा द गेन इज 20% मोर, द गेन इज 20% मोर देन देन द लॉस देन द लॉस इनकर्ड देन द लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग इट, ऑन सेलिंग इट, ठीक है। ऑन सेलिंग इट कितने में, 8 रुपीज़ 4 75, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेन। ओके, सो फुल स्टॉप के बाद फिर बोल रहा है, इन ऑर्डर टू गेन 20%, 20% गेन के लिए सेलिंग प्राइस कितना होगा, द सेलिंग प्राइस SP लिख रहा हूँ मैं, विल बी, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। ओके, ओके, तो आसान सवाल है। अच्छा, इसको कैसे करेंगे, हाउ विल डू दिस वन, ठीक है, इजी है। तो क्वेश्चन को समझो आप, ठीक है, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, आपको दिया है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल 8 रुपीज़ 5 30। अगर हम किसी भी आर्टिकल को 5 30 में बेचेंगे, ठीक है, तो गेन कितना होगा, 20% मोर देन, अच्छा मोर, 20% मोर का मतलब होता है 120%, ठीक है, इस चीज को समझना। तो गेन कितना होगा, 120%, सॉरी 20% मोर देन, या 120% भी कह सकते हैं। ओके, तो अगर सेलिंग प्राइस, ध्यान से देखना, ओके, सेलिंग प्राइस सॉल्यूशन कर रहा हूँ, अगर सेलिंग प्राइस 5 30 है, इस केस में जो गेन होगा मुझे, ठीक है, अच्छा आप ना, आपको की CP तो ज़रूर निकालना पड़ेगा, तो आप पहले ना आप CP निकाल लीजिए। तो CP निकालने के लिए लेट CP इज इक्वल टू एक्स ले लेता हूँ मैं, लेट CP इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो गेन वाली जो कंडीशन है तो बाद में लिखूंगा, लेकिन यहाँ पर गेन ऑलरेडी निकाल लेता हूँ। सो गेन विल बी नथिंग बट, गेन कब होता है, जब SP ज़्यादा हो CP से, तो SP माइनस CP, तो गेन विल बी 530 माइनस एक्स, ठीक है, एक कंडीशन ये आ गई। ओके, सो द गेन, और इसी को मैं इक्वेट करूंगा 20% मोर देन द लॉस इनकर्ड, लॉस भी निकाल लेते हैं, लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग इट एट ₹475। अब 475 में जब वो बेच रहा है तो उससे लॉस हो रहा है, सो दैट लॉस विल बी, लॉस कब होता है, जब CP बड़ा हो, तो लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP, तो CP इज विल बी एक्स माइनस SP, SP कौन सा वाला, 475 वाला, ध्यान से देखना लैंग्वेज क्या कह रहा है, मैं फिर से बता दूं आपको, लैंग्वेज कह रहा है दैट गेन इज इक्वल टू 20% मोर का मतलब है 120% ऑफ लॉस, ठीक है। ओके, इसको समझना, ये गेन कौन सा वाला गेन है, ये गेन वाला गेन है जब SP कितना है, SP जब 530 है, ये लॉस कौन सा वाला लॉस है, जब SP 475 है, समझ में आ रहा है ना, तभी तो हमने इसको अलग अलग निकाला, ये गेन, ये निकाला हमने गेन, कौन सा वाला गेन है जब SP 530 है, ये कौन सा वाला लॉस है जब SP 475 है, बस इसको ऐसी इक्वेशन में रखते हैं, गेन इज इक्वल टू, गेन कितना है 530 माइनस एक्स इज इक्वल टू 120 अपॉन 100 इंटू लॉस, लॉस इज हाउ मच, एक्स माइनस 475, एक्स कितना आ रहा है यहाँ से, CP कितना आएगा, मेहरप्रीत अपना डाउट फिर से भेज दीजिए आप, यार इट्स वेरी सिंपल, लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम है यार, आप ट्राई तो कीजिए, आप फिर से भेज दीजिए मुझे अपना डाउट टेलीग्राम में, ठीक है। अच्छा, ये कितना आएगा यहाँ से, सॉल्व इट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको सॉल्व करते हैं, सो दिस विल गोइंग टू गिव अस 0 से 0 कैंसिल, 2 6 2 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 in bracket 530 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 in bracket x माइनस 475, ओके, सो 5 0 0 5 3 15 कैरी 1 2 6 50, ओके,
-5x इज इक्वल टू 6x माइनस ये आ जाएगा 6 5 30 कैरी 3, 7 6 43, 45 कैरी 4, 2 8 50. सो 6x 11x विल गोइंग टू गिव अस 2 8 50, 2 6 50, 0 0 ये 27, 5 5 00, ठीक है 5 5 00 ना, तो यहाँ से x कितना जाएगा, x विल बी 500. वेरी गुड, x आ गया 500. ओके x मतलब cp आ गया. अब आपसे क्या पूछा है, इन ऑर्डर टू गेन 20% SP कितना होगा. अरे यार CP आ गया कितना, 500. ठीक है गेन कह रहा है आपको कितना चाहिए, 20%, तो SP कितना होगा ये बताना है आपको. ओके चिल्ला चिल्ला के फिर से वही कहूंगा, SP इज अ फंक्शन ऑफ CP. 20% गेन का मतलब है 120/100. ठीक है सो SP इज इक्वल टू CP इज 500 इंटू 120/100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा और SP यहाँ पर आ जाएगा 600 रुपीज़. वेरी गुड, ठीक है.